जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 26 बूथों पर 45 साल के ऊपर के पत्रकारों तथा नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सहित 26 बूथों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें पत्रकार और आम नागरिक शामिल हैं। सीएमओ ने बताया कि शासन ने निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश में 8 और 9 अप्रैल को पत्रकारों का टीकाकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि गुरुवार को 2500 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे जिले के 3 बूथ जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, हमारा जिला अस्पताल, महिला पुरुष और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और संक्रामक रोग में भी हमारा चल रहा था, जिसमें कि हम कोवैक्सीन का सेकेंड डोज दे रहे थे, और हमारे रूरल पीएससीज जो है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उनमें 20 यूनिट हैं, उनमें टीकाकरण चल रहा था। सर, इनमें कोई बॉन्ड भी है एज को लेकर? हाँ, ये जो भी स्पेशल ड्राइव हो रहा है कि मैं किसी खास विशेष, जैसे कि पत्रकार हो गए या व्यापार संघ के हो गए, तो इस तरह से लोगों का भी टीकाकरण हो रहा है, लेकिन सबके लिए उम्र का बार है, 45 साल के ऊपर ही लोगों का टीकाकरण अभी हो रहा है, आम पब्लिक का भी उसके साथ में टीकाकरण हो रहा है। सर, आज कितने बूथों पर संपन्न हुआ? आज हमारे 26 बूथों पर टीकाकरण हुआ है। सर, अभी तक कितने लोग हैं? अभी तक हम शाम तक रिपोर्ट आते आते 2500 लोगों का टीकाकरण हो गया था, और ज़्यादा होने की संभावना है।